पहले ये कैंपेन लेके आते हैं। सामान्यतः सभी जो कामकाजी पढ़ने वाले और नौकरी पेशा जो लोग होते हैं उनके परिवार में एक भ्रांति होती है कि हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति से हमें दूर रहना चाहिए। लेकिन इनफैक्ट ये है कि हर आदमी को राजनीति करनी चाहिए, यही हमारा इसका मोटो है। और इसके माध्यम से हम ये नहीं कहते कि आप इलेक्शन लड़िए, हालांकि इलेक्शन लड़ना हर आदमी का अधिकार है, आपको भी लड़ना चाहिए। लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं उनको आप अपने स्टैंडर्ड्स पे अपनी कसौटी पर उनको कसिए। आपके मुद्दे क्या हैं, आपके इश्यूज़ क्या हैं, क्या वो उन तक पहुँच पा रहे हैं कि नहीं पहुँच पा रहे हैं। अब तो बहुत सारे माध्यम हैं, हम अखबार के अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी चीज़ों को उन तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन वो पहुँचाइए। अखबार में तो हम छापते ही हैं, लेकिन हम सभी से यही निवेदन करते हैं कि आप लोग जो मुद्दे आपके अपने मुद्दे हैं, जो आप चाहते हैं कि मेरा रिप्रेजेंटेटिव, मेरा उम्मीदवार उनको उठाए, उनको आगे लेके बढ़े, वो तभी लेके बढ़ेगा जब आप लोग उनको अपने मुद्दे बताएंगे। अभी तक होता क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज मैनिफेस्टो बनाती हैं अपनी तरफ से, आप लोग उनको पढ़ते हैं, आपको अच्छा लगता है, उनको वोट देते हैं, नहीं देते हैं, या परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं उनके बनाई हुई जो विचारधारा होती है, उनका बनाया हुआ जो मैंडेट होता है, आप हम सभी लोग उसको ज़्यादातर फॉलो करते हैं। अब की बार हमने इसमें अब नारी की बारी इसीलिए लिया है कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारी आधी आबादी है वो अपनी बातों को सामने आके रखे। आप तो सभी लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन और जो दूसरा तबका है उनसे भी हमने बात की है आप, लेकिन आप लोगों को हमने इसलिए याद किया है क्योंकि आपकी बात जो है वो ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं। तो हम आप लोगों को यहाँ पे इसलिए हमने इकट्ठा किया है। तो हम ये चाहेंगे कि आप इस इलेक्शन में आने वाला जो चुनाव है, हाँ जी प्लीज़, उसमें आपके अपने इश्यूज क्या हो सकते हैं, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने लिए क्या चाहते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि बारी बारी मूल रूप से महिला सुरक्षा तो है ही, उसके अलावा किसी के दिमाग में कुछ भी बात हो सकती है, महिला सुरक्षा के अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हैं। तो एक तो मेरा ये निवेदन है कि सभी लोग एक एक करके, सबसे पहले एक औपचारिकता ये हो जाए कि हम एक दूसरे को जान लें, तो प्लीज़।